जाइए द्वारिका, आप तो कहते थे कि साथ ही रहते थे ना, साथ में ही भोजन करते थे ना, मेरे बिना तो वो कुछ कर्म ही नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे, और मुझे यदि गुरु जी दंड देवे तो वही भी दंडित होते थे, ऐसे मित्र हो? सुदामा जी आ गए, ठीक है। पहले तो सुशीला ने कहा द्वारिका नाथ हमारी ऐसी स्थिति देख करके कुछ दे देंगे, ब्राह्मण की स्थिति देख करके दे देंगे। सुदामा जी बोले फिर दीजिए भाई, फिर नहीं जवाई, अपने से चक्कर है, मैं ठाकुर जी के द्वारे मांगने नहीं जा सकता, मैं मांगने नहीं जा सकता। तो सुशीला कहने लगी, उनकी पत्नी कहने लगी कि ठीक है मांगने नहीं जा सकते तो दर्शन तो करे आओ, तो कुछ भी तंदूर चावल जैसा बर्तन है लेकर के ठाकुर सुदामा जी ठाकुर जी के दरबार में जैसे तैसे ठोकर खाते हुए जाना था द्वारका न चले गए बनारस, उत्तर प्रदेश, काशी, गंगा, गोदावरी, बेतवती, जमुना, महारानी, मथुरा, वृंदावन सब ढूंढ गए, द्वारका नहीं पहुंचे। 2-4-10 साल चले द्वारका नहीं पहुंचे, जैसे तैसे द्वारका पहुंचे। द्वारका में पार्षदों से पूछा, ठाकुर जी के पार्षद है, दिव्य पार्षद है, जय विजय, उन्हें बड़ी नम्रता है, उन्हें बड़ी नम्रता है, आइए आप कैसे बटे हाल को देख करके, सुदामा गरीब को देख करके, सुदामा की दरिद्रता को देख करके, फटे वस्त्रों को देख करके, जय और विजय द्वारिकानाथ, तीनों लोगों की संपत्ति, 14 भुवनों की संपत्ति के अधिपति जिनके दास हो गए, कहां से आए? बोले हम ठाकुर जी के मित्र हैं, हमारे कृष्ण हमारे मित्र हैं। बोले तो कहां के अरे हाँ हाँ आप मित्र हैं, ऐसे तो हम कोई भी विप्र के आने की सूचना, कोई विप्र विद्वत जन के उन्हें कोई विप्र के बोले हमें कोई ऐसे तो हम ब्राह्मण देव के आने की सूचना बिना महाराज की अनुमति के दे देते, लेकिन हमें अंदर से अंतःपुर से ऐसी सूचना आई है कि ठाकुर जी दोपहर का प्रसाद पाकर के सैन्य कक्ष की ओर प्रवेश कर रहे हैं, मतलब विश्राम कर रहे हैं, भोजन दोपहर का भोजन पाके थोड़ा आराम करेंगे, तो हम थोड़ा पूछ के आ रहे हैं, आप यहाँ बैठो, पूछने गए, सूचना दी, बड़ी बड़ी लंबी कथा है, मैं मुख्य बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मुख्य बात निकाल के आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ले जा करके और पूछा है द्वारपालों ने, ठाकुर जी पधारे हैं, बड़े सुंदर सवैया चंद्र स्थान के यहाँ पर है, है? पर जिनको सुना करके मैं सत्संग का समय नहीं लूंगा, रूपाए रूपाना हो कि नहीं सावा द्वार खाड़ो द्विज दुर्बल प्रायो चकी सोहे सुदामा बीरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो जाग सुदामा जिनके मुखमंडल पर तो बहुत तेज है पर उनके उनके भाव भी बड़े निर्मल है, वो बड़े तेज है, ऐसा उनके मुखमंडल से ही प्रतीत होता है। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने फिर मस्तक झुके, वो एक बात है, झुकना चाहिए, वो कर्तव्य है, वो कोई बात नहीं है, पर जिनके आगे बिना कुछ जानकारी के मस्तक झुक जाए, समझो उसमें कोई दिव्य शक्ति, अपने आप झुक जाएगा वो, तो उससे भले बाहर से या पैदल हम मंदिर के आगे से निकलते तो अपने आप हो जाते, हम कितनी भी कोशिश कर लेने के लिए हो गए, या गांव का कोई विद्वत जन जो जो जीवन भर जिसने राम 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 किया, उसके सामने पहुंचने से अपने आप मन हो जाता है काका राम राम, क्योंकि वो शक्ति है, उस जप का, उस नाम का, उन शब्दों का प्रभाव है, वो शब्दों का मेल है ऐसा, कि उस शब्द को जपने से और बड़े शरीर में शक्ति का संचार होता है, एक दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, ऐसे शब्दों को अच्छे इसलिए तो बोलते हैं कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा सुनो। मुख्य सूचना दी ठाकुर जी ने, जैसे ही सुना मां कि आहा, जैसे ही सुना कि मेरा मित्र आया है, दौड़े हैं केवल, और दौड़े दौड़े अब ठाकुर जी दौड़ रहे, मालूम है आपको, जिनके द्वारे ब्रह्मा आदि देवता, इंद्र आदि देवताओं को महीनों और बरसों
प्रतीक्षा करना पड़ती थी भगवान के दर्शन के लिए। आज न जाने कौन आ गया कि ठाकुर जी दौड़ रहे हैं और कई सात ड्योड़ी के अंदर ठाकुर जी का अंतापुर रसोई भंडारा भोजन प्रसाद पाकर के और विश्राम के लिए जा रहे थे। कई ड्योड़ियों को पार करते हुए ना पग में कुछ पहना है, पीतांबर को धारण किए थे, ऐसे दौड़े के वो भी गिर गया, कहीं बांसुरी छूट गई, कहीं मुकुट रह गया, कहीं कहीं कुछ लकुटी गिर गई और कहीं मुकुट छूट गया, कहीं बांसुरी छूट गई और केवल दौड़ रहे हैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र में भी हाहाकार हो गया। त्रिलोकी के नाथ, ऐसा आज आपके द्वार पर कौन आया? हम तो आते हैं तो महीनों और वर्षों प्रतीक्षा करना पड़ती है, हमको इंतजार करना पड़ता है और आप सुदामा जी के लिए देवताओं के मन में भी मान ऐसा भगवान कह रहे कि विप्र प्रसादा देवताओं से भी अधिक है, देवताओं से भी अधिक उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उन गरीब सुदामा नाम के ब्राह्मण का इतना सत्कार किया कि रुक्मणी उनकी अर्धांगिनी भी सोच रही है कि आज तक जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि ठाकुर जी को इतना इतना उतावला होकर दौड़ते मैंने कभी नहीं देखा। और जाकर के सुदामा जी को हृदय से लगाया, वहां पर दसों दिशाओं के दिग्पाल भी सकुचा गए, शर्म कर गए कि ठाकुर बड़ा भाव उनका आया कि हे द्वारकाधीश दीन सबन को लगत है, दीन ही लखे न कोई और जो रहीम दी नहीं लखे तो दीन बंधु सम होए। बोल द्वारिका नाथ की जय। सुदामा से मिलकर के ले आए और जिस आसन पर स्वयं बैठते थे सुदामा जी को बैठा दिया और स्वयं उनके चरणों में बैठ गए। ठाकुर जी नीचे गए तो हमने बुला लो और ऊपर से लगे हैं अपनी अपनी देवे, तो ऐसा ना विचार करें। मैं आपको मुख्य बात बता रहा हूँ, ठाकुर जी वही कहते हैं कि हे सुदामा जी ये ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है कि मैं जो है आज द्वारिका का काम, मुझे जो लक्ष्मी ने वरण किया, लक्ष्मी मेरी दासी है, मेरी अर्धांगिनी है, ये भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। और जो आज द्वारिका का नाथ बनकर के बैठा हूं ये भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। सुई रुक्मणी जी कहती है, थोड़ा सा हास्य विनोद भी है उस कथा में, रुक्मणी जी कहती है हाँ हाँ भगवान वो लात मारी थी छाती में वो भी ब्राह्मण ही थे। रुक्मणी जी सारे में कह रही, वहां सब नेत्रों से बात हो रही है सुदा में, वो तो सुदामा ब्राह्मण देव की, अरे ब्राह्मण देव आप मेरी गोदी में चरण रख दो है, द्वारिकानाथ कह रहे हैं सुदामा, और गोदी में क्या रख दो, रुक्मणी को कहा कि जाओ परात में जल लेकर आओ, जब तक रुक्मणी आ नहीं पाए जब तक तो ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के नेत्रों के आंसुओं से सुदामा के चरणों को धो दिया। रुक्मणी जी इशारे में ही कह रही है कि बड़ी साधुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति और गौ के प्रति मन में भी विद्वेष नहीं आना चाहिए, मन में भी इनके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। बाहर की तो बात दूसरी है, मन में भी इनके प्रति वेद देव गौ विप्र और साधु इनके प्रति यदि विद्वेष आया, मन में यदि जरा सा भी भाव गलत आया तो सज्जनों श्रीमद् भागवत दसवें स्कंद में कहती हैं, व्यास जी महाराज लिखते हैं और सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित के सामने राजन इन से जो द्वेष रखता है उसको संसार में उसको नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने आपको बताया कि जयकारे में संकोच नहीं करना, आखिरी में एक जयकारा लगेगा बिना माइक के, कौन सा गांव बताया, अंदर और इधर बाहर दोनों जगह आवाज पहुंच जाना चाहिए, अंदर हो के बाहर हो इतना जयकारा गूंजना चाहिए सज्जनों। और जयकारा ये जो मैंने वैज्ञानिक महत्व बताया जयकारा का, आप आजमाइए, आप आजमाइए और बड़े प्रेम से और जोर से जयकारा लगा के देखिए, अभी ना भी हो एकदम, अभी ना भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी एकदम, अभी ना भी हो पर जयकारे को हमेशा जोर से बोलना चाहिए। इस शब्द को जोर से बोलने से हमारे शरीर के रोग स्वतः ही चले जाते हैं। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय।
हाँ बच्चों की आवाज आ रही है और जो अभी अभी आ रहे हैं उनकी आवाज कहीं आ रही हो क्योंकि वो पाके आए होंगे। अब आप लोग बहुत देर से बैठे कहीं ऐसे ही आ गए हो कि चलो शुरू हो गई सत्संग शुरू हो गई तो ऐसे आ गए होंगे बिना खाए, पर जो अभी आए उनकी आवाज आ रही। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो सज्जनों और समय तो अब आदेश दे रहा है, पर आप सबको आदेश होए भगवान का श्री प्रदीप जी आचार्य जी महोदय जो यहाँ पधारे हैं। सज्जनों ये बाबा श्री श्री 1008 श्री गजानन जी महाराज जो ब्रह्म ऋषि इस कलयुग में 20वीं 21वीं सदी के जो ब्रह्म ऋषि हुए हैं, जो सिद्ध संत हुए हैं, जिन्होंने जल को घृत में परिवर्तित कर दिया हो सज्जनों, जिन्होंने जिस भक्त पर हाथ रख दिया हो उसका कल्याण ही हो गया हो, ऐसे दिव्य संत परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री गजानन जी महाराज के पूर्ण कृपा प्राप्त श्री प्रदीप जी मंडलोई जो इस यज्ञ के आचार्य हैं, मैं कथा के चाहे मध्य में समझ लो चाहे अंत में चाहे प्रारंभ में उनके चरणों में सत सत प्रणाम करता हूं। और पधारे हुए सभी बुद्धिजीवी बालीपुर से ही दीक्षित हैं, बाबा के ही शिष्य हैं, उन सभी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। और जो भी उन संत से जुड़े हैं, जो भी उन योगेश्वर जी महाराज के कृपा प्राप्त हैं, उन सभी के सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बालीपुर धाम की जय। बालीपुर सरकार 1000 श्री गजानन जी महाराज की, श्री योगेश्वर जी महाराज की, श्री सुधाकर जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, नमः पार्वती पते। सुना उन्होंने बंद करा, उन्होंने बंद करा, आप चल रहे हो। ये तुम्हारे गांव की ये सही बताए, अब तुम्हारी तरफ होना चाहिए ने। दादी तो वो सत्य की तरफ हो गए, देखो सत्य तो एक बार और बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। आप कहोगे तो चिल्ला रहे ना महाराज दिखाता तो ऐसे ही कम है क्या सुनाई भी कम देता है। भैया जी मैं कह दूंगा कि अभी भी नहीं आया। तुमको प्रणाम सत सत तुमको प्रणाम सत सत तुमको प्रणाम तुमको प्रणाम सतगुरु सत सत तुमको प्रणाम। बड़े भाव से और गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़े भाव से और तुमके भाव वाली प्रणाम जाना चाहिए। यज्ञ नारायण के निमित्त इन स्थापन रात्रि में अनुष्ठान के दूसरे दिवस में और बड़े भाव से गुरु महाराज प्रणाम करें। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सत सत तुमको प्रणाम सत गुरु सत सत तुमको। यहाँ भी
सदगुरु सत सत तुमको प्रणाम हम आए गुरु शरण तुम्हारी